स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, फाइनली वही वाला ब्लॉग है जिसका आपको सबसे ज्यादा वेट था। फैन का फेस रिवील होने वाला है। वो फेस रिवील मैं आपको बता दूं, वो मुश्किल से वीडियो में एक दो सेकंड के लिए होगा, बीच में पूरी वीडियो में या फिर आप बहन का फेस हमेशा नहीं दिखाने वाला हूं मैं, क्योंकि बहन फेमस होना नहीं चाहती कि रोड पे वो जाए और उससे बोले अरे ये तो रजत की बहन है, तो बीच में कहीं पे भी आपको एकदम से फेस दिख जाएगा। और जो देख ले वो स्क्रीनशॉट खींचे मुझे इंस्टा पे भेज देना। बाकी अभी सब उठ गए, 8:30 बज रहा है, हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, तो चलो मंदिर चलते हैं। देखो तो सेठानी जी को चिंकी, हम लोग सब मंदिर जा रहे हैं। चलो चिंकी, चीकू को ढूंढते हैं। चीकू कहाँ है? पापा लोग बोल रहे थे तुम योगी आदित्यनाथ जैसे दिख रहे हो, और तुम्हारी बात करने का तरीका भी वैसा ही है। तो सही बात है। क्या योगी आदित्यनाथ जैसे दिखते हो? टकले भी हो गए अब तो भैया, फैन हो गए लोग तो पापा के, लगे हुए हैं कि तुम्हारे पापा कितने समझदार है, कितने अच्छे। मेरे पापा शुरू से ऐसे ही है, तभी मैं ये सब कर पा रहा हूँ आज। और ये चिंकी चीकू वाला जो उसी को समझ आएगा जो मेरे को स्नैपचैट पे फॉलो करता है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? फिर फिल्म देखने चलेंगे। पापा तुम व्लॉग बनाना आज, ठीक है? आज पापा फर्स्ट टाइम व्लॉग बनाने वाले हैं। चलो योगी आदित्यनाथ जी व्लॉग बनाओ। अरे खूब कमेंट आया कि योगी आदित्यनाथ लगते हैं तुम्हारे पापा, योगी आदित्यनाथ लगते हैं। ऐसे अभी तुम और पीछे का एरिया दिख रहा है, भारी है। अच्छा खासा भारी है। मंदिर आए हैं जे हो, मैं मंदिर आया था सोच के घंटी बजाऊंगा, घंटियों के ये हाल है यहाँ पे। घंटी नहीं है भाई अंदर। जय भगवान। मंदिर गए थे, वो मंदिर से दर्शन करके आ रहे विद फैमिली, परिवार सहित। फिर जा रहे हैं न्यू मार्केट, उधर पेट पूजा करेंगे, मतलब नाश्ता। नाश्ता करने के बाद में फिर जाएंगे रंजी को गिफ्ट दिलाएंगे, गिफ्ट दिलाने फिल्म देखने जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। फिर पिक्चर देखने जाएंगे सब लोग, सिर्फ मुझे छोड़ के। तुम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मुझे पिक्चर देखने अच्छा नहीं लगता। सही है, मेरे को सोना रहता है, नींद ज्यादा आती है भैया। जोर लगा के अय्या। अरे अरे तुम तो स्पीड पकड़ रही हो एकदम से। चलो समोसे खाएंगे। थक गई मम्मी तुम? चिंकी इतनी सी उम्र में थक रही हो? भूख लग रही। लो खा लो। तेरा बर्थडे पार्टी कहाँ पे दे रही? पार्टी तो ये समोसे क्या है? तो वो तो मैं खरीद के लाया। तो मेरे भाई ने दी पार्टी, बात खत्म। देख रहे दोस्तों, मेरी बहन का भाई खुद को पार्टी दे लेता है। ये देखो योगी आदित्यनाथ जी समोसा खा रहे हैं। अब मैं चलता हूँ, गुल्लू को लेने जा रहा हूँ, फिर मूवी जाएंगे। दोस्तों गुल्लू भाई आ चुके हैं, गुल्लू भाई को हाय बोल दो। हाय। तो गुल्लू भाई को लेके आ गए, अभी गुल्लू भाई को लेके घर जाएंगे और फिर घर पे प्लानिंग करेंगे कि कैसे क्या मूवी कहाँ जाना है, कैसा करना है। करते हैं तो पापा ने व्लॉगिंग करी थी, पता तुम्हें? नाइस। धूप में क्यों खड़े? फोटो शूट कर रहे थे ना दीदी का, रिफ्लेक्टर लेके आ गए भैया जी। आने का टाइम हो रहा है, ये वीडियो बनाने में लगी। हट जाओ बोल रही मेरे घर पे। सॉरी। जा रहे हैं, पूरी महिला गैंग को लेके जा रहा हूँ मैं मूवी दिखाने। तो चलो चलते हैं, गाड़ी निकालनी पड़ेगी फिर से। यार दिन भर ड्राइवर बन गया हूँ मैं फिर से इसी जगह पे आ गया क्योंकि मैं कपड़े चेंज करने आया था। क्या पता क्यों अच्छा लग रहा हूँ मैं, अच्छा ही लगता हूँ। टिश्यू पीछे रखा है आंटी, पीछे देखो, थोड़ा सा घूमो, थोड़ा सा ही घूमना। अरे लो दोस्तों, मेरी मम्मी के सामने भी चमका रही है मुझे। मम्मी तुम्हारा वो कुछ बेटा प्रेम नहीं जाग रहा कि तुम्हारे बेटे को कोई तुम्हारे सामने ये बोल रहा है? ये बोलने क्या? चलो दोस्तों ज्वेलर्स आ गए, क्या पता क्यों क्यों आए। मम्मी आई है, मम्मी अमीर पार्टी, चिंकी के पास बहुत पैसा है। चिंकी कर दिया खर्चा, आ गए मैं। चिंकी बात करवाया ना, गलती हो गई, चालू ही नहीं किया था। बढ़िया। सॉरी। सीधे जाना ना, गलत राइट, लेफ्ट राइट, इधर इधर। मार मत दे। गाड़ी सिखा रहे? ये सिखा नहीं रहे, क्या पता क्या कर रहा है ये। भाई इन लोग के घर वाले को पता चल जाए। इंडिया की बच्ची के लिए एक चुप रहना चाहिए। क्या हो रहा है दुनिया में? उसके पीछे की सीट में हवा नहीं, पीछे के टायर में हवा नहीं होगी। पता मैंने उसमें लिखा था, बताओ कौन सा है? तुम ये देखो, कौन सी मूवी देख के आ रहे सर? ट्रिपल आर। कैसी थी सर, प्लीज रिव्यू? कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। मम्मी की सीट पे कोई और बैठा था? हाँ, नहीं मतलब मैंने उसने ये मतलब अपनी टिकट तो चेक कर लेता, तूने कौन सी ली थी और कहाँ बैठा जाके? ऐसे ही रहते हैं भाई, दोनों पसर के बैठी इतने आराम से, इतने अकड़ में बोला था आंटी है। इसीलिए तो मम्मी के साथ गुंडा भेजा था।
क्या हुआ तो इतने बड़े उससे बोल रही मैम कहाँ खड़ी हो केक लेने चलो मैं नहीं बहन जा रही केक लेने बहन मेरे बाजू में चल रही है पर मैं तुम्हें अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी फेस रिवील हुआ नहीं है हम लोग जा रहे हैं केक लेने एक तो वो इतने नीचे है ना कि यहाँ से दिख रही बहन को पसंद करने के लिए लेते हैं कौन सा लेना ये वाला भैया हाँ चोको चिप्स पैक करवा दो हाफ के जी भैया उसके ऊपर बहन लिख देना BHEN मास्क उतार के तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैं ही हूँ देखो केक लेके भाग रही है बर्थडे गर्ल कितना बढ़िया लग रहा है सब कुछ कहाँ नाइस रोज बहुत सारे हैं कहाँ जा रहे हो भैया रोज लेके इधर लाओ पापा इतनी बढ़िया मूवी थी मजा ही आ गया पापा मूवी मिस कर दी तुमने उसमें राम जी बन जाता है वाकरी में वैसे पीछे से रोशनी निकलती है पुत्री पिता प्रेम कितने खुश है वो तुम काट रहे क्या पे पापा केक तुम्हारे बर्थडे पे तो केक ही नहीं काटा भी तो काली शर्ट है पापा के बर्थडे पे काली शर्ट पे अरे क्यों कर रही हो तुम पापा तुम्हारे बर्थडे पे केक ही नहीं काटा हां हां ठीक है ना तो तुम काट लो आज केक ये कल परसों भी तुमने केक लाया तो उसमें मोमबत्ती थी तुमने उधर बगल में फेंक अरे नीचे रख दी केक में रखो केक में घुसेड़ दो हाँ ऐसा कैसे डर लग रहा है हाँ घुमाता है हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू हिमांगी बर्थडे टू यू पापा का पापा को राजेश बोल रही है दोनों का केक कट रहा है ना अब पंखा चालू कर दो पापा पुत्री का प्रेम अब उसको तुम खिला फिल्म नहीं देखते क्या पापा फिल्म नहीं देखते क्या बाल खाएगी ये कैसे खा रही वीडियो बना हेलो ओ ये देखो बर्थडे वाली चट्टी क्या चट्टी तूने खिलाया तुमने थोड़ा केक खिला दिया और कितना खिलाएगा मैं तुम काटने में खिला दूंगी मैं खिलाऊंगा बर्थडे इसका मैंने हाथ नहीं धोए ये मास्क तो उतार ले हाँ गर्मी लग रही मम्मी इसके हाथ में काट लेना मम्मी मुंह पे लगा दो केक लगाते हैं बर्थडे पे मम्मी केक लगाते हैं बर्थडे पे नहीं क्या है थोड़ा सा लगा दो मम्मी लगा ले थोड़ा सा कोई शगुन चल रहा है क्या तो आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं दिल को तसल्ली मिल गई होगी तुम लोगों के और जिस जिसने देख लिया स्क्रीनशॉट खींच के इंस्टा पे भेजना मत भूलना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और टाटा बाय बाय गुड नाइट देखो बर्थडे गर्ल का बर्थडे खत्म हो गया है वापस अपने खाने बनाने में लगी हुई है कुर्सी पे चढ़ के बना रही है देखो ये कम हाइट के नुकसान है खिचड़ी बन रही है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया